हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे इन वर्ड्स का मतलब और उनको सेंटेंसेस में यूज करना। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई का एक मतलब होता है आदर करना और पूजना। मतलब कि ये किसी व्यक्ति या भगवान के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, किसी को आदर देना, बहुत ज्यादा सम्मान देना, उसको पूजना। इसका दूसरा मतलब होता है गुणगान करना। कहने का मतलब है कि किसी चीज को जरूरत से ज्यादा अच्छा बताना, मतलब कि वो चीज वाकई में उतनी अच्छी है नहीं, पर उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना, उसकी तारीफ करना, ये शो करना कि वो चीज कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी बेहतर है। जैसे कि मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक का एड है, तो उसमें दिखाया जाता है कि वो पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक कितना अच्छा है, उसको पी के बिल्कुल एनर्जी आ जाती है, पर वाकई में तो ऐसा होता नहीं है। सबको पता है कि वो एक हार्मफुल सी चीज होती है। तो इसी को कहते हैं ग्लोरीफाई करना, ये शो करना झूठ मूठ का कि कोई चीज कितनी अच्छी है। एग्जाम्पल्स, द अवार्ड सेरेमनी वॉज ऑर्गेनाइज टू ग्लोरीफाई द नेशनल हीरोज। यहाँ पर ग्लोरीफाई का मतलब है आदर करना, सम्मान करना। तो नेशनल हीरोज को सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी, आयोजित की गई थी। एडवर्टाइजिंग ऑफन ग्लोरीफाइज प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज का प्रचार करना, विज्ञापन करना। और यहाँ पे ग्लोरीफाई का मतलब है बेवजह का गुणगान करना। तो एडवर्टाइजिंग अक्सर प्रोडक्ट्स को ग्लोरीफाई करता है, मतलब कि वो इतनी अच्छी होती नहीं है चीजें, उनको जरूरत से ज्यादा अच्छा बताया जाता है। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का एक मतलब होता है त्याग करना या कुर्बानी देना। मतलब कि कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, उसे किसी और के लिए त्याग देना या किसी खास मकसद के लिए उसे छोड़ देना, उसका त्याग कर देना, उसे सेक्रीफाइस करना कहते हैं। इसका दूसरा मतलब होता है बलि चढ़ाना, मतलब कि देवी देवताओं को खुश करने के लिए जो जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, उसे भी सेक्रीफाइस करना कहते हैं। एग्जाम्पल्स, शी सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग फॉर हर चिल्ड्रेन। उसने अपने बच्चों के लिए सारी चीजों का त्याग कर दिया। कम्यूटर, कम्यूटर का मतलब होता है रोज आना जाना करने वाले, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो हर रोज ट्रेवल करके कहीं पे काम के लिए, नौकरी के लिए जाता है और फिर घर वापस आता है। एग्जाम्पल, द ट्रेन वॉज पैक्ड विथ कम्यूटर्स। यहाँ पर पैक्ड का मतलब है भरा हुआ, तो ट्रेन बिल्कुल भरा हुआ था कम्यूटर्स से। स्टैम्पीड, स्टैम्पीड का मतलब होता है मतलब कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे अचानक से सब लोग भागने लग जाएं एक तरफ, तो उसे स्टैम्पीड कहते हैं। एग्जाम्पल्स, ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट फायर अलार्म कॉज्ड अ स्टैम्पीड एज पीपल रश टुवर्ड्स एग्जिट्स। कॉन्सर्ट का मतलब होता है म्यूजिक शो, एक ऐसा स्टेज शो जहाँ पे कोई सिंगर या बहुत सारे सिंगर्स अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो कॉन्सर्ट के दौरान फायर अलार्म की वजह से एक भगदड़ हो गई, क्योंकि सारे लोग एग्जिट की तरफ काफी तेजी से जाने लग गए। वियर्ड, वियर्ड का मतलब होता है विचित्र या अजीब, मतलब कि कोई भी चीज जो देखने में नॉर्मल नहीं लगे या कोई बात जो सुनने में अजीब सी लगे, विचित्र सी लगे, उसे वियर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल, आई हर्ड सम वियर्ड नॉइजेस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। मैंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी जो बाहर से आ रही थी। His brother is a bit weird. उसका भाई थोड़ा अजीब है।